आई लव यू टू, आई लव यू टू। ये मौसम की बारिश, ये तावते का असर। वैसे जब मैंने पहली बार नाम सुना तावते, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, ये कौन से तूफान का नाम आ गया तावते। लेकिन तावते का जो नाम का मतलब है वो है छिपकली से। जी हाँ, छिपकली से। एक्चुअली क्या है ना कि ये रखा है म्यांमार ने इसका नाम तावते, और तावते का मतलब होता है छिपकली, जो धीरे 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 आती है और सडनली अटैक करती है और सारा जो भी अपना शिकार होता है उसको अपने शिकंजे में ले लेती है। तो इस तावते ने भी ऐसा किया है, धीरे 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 आया है और आकर पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया है। इसने पहले तबाही मचाई केरल में, उसके बाद गोवा में, और गोवा से सीधा आया मुंबई, और मुंबई की तबाही तो आप सब लोग देख ही चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया हो या फिर मरीन ड्राइव हो, कोई भी कैसी भी जगह हो, सब जगह तबाही मचाई है। और उसके बाद ये एंटर हो गए हैं अहमदाबाद, गुजरात, और गुजरात के बहुत सारे इलाके में, और उसके बाद इन्होंने दस्तक दिया है पधारो मारे देश राजस्थान। कमाल की बारिश हो रही है हर जगह। वैसे ही लॉकडाउन के कारण तो सब कुछ बंद है, लेकिन बारिश ने और भी सब कुछ बंद कर दिया है। मज़ा आ गया है। जयपुर का टेम्परेचर हो गया है बिल्कुल जैसे कि शिमला, एकदम ठंड। जहाँ पर लोग एसी चला रखे थे, कूलर लगा रखा था कि भैया गर्मी हो गई, गर्मी हो गई, गर्मी हो गई, अब वो लोग पंखा भी नहीं चला रहे हैं, खिड़कियाँ भी बंद करके बैठे हैं। एक तो तूफ़ान, ये साइक्लोन जो आया है इतना गंदा तावते, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, और उसके साथ में बारिश, वाह। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो जयपुर वाले लोग हैं ना, वो ऐसे मौसम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं नाहरगढ़। तो मुझे तो नाहरगढ़ की याद है, नाहरगढ़ गरम गरम चाय की प्याली और उसके साथ में गर्मा गर्म पकौड़े, इससे अच्छा सुख तो मिल ही नहीं सकता इस बारिश के अंदर। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि जब ऐसी बारिश होती है तो आप अपने शहर में कौन सी जगह जाना पसंद करते हैं, जहाँ पर सबसे अच्छा सुकून मिलता हो आपको, जहाँ के नज़ारे अद्भुत हो, जहाँ मज़ा आ जाए जाकर। देखो जयपुर वालों को तो चार पांच चीज़ें बहुत पसंद है बारिश में। गरम गरम जाकर, हाँ, गरम गरम चाय की चुस्की लेना, गुलाब जी चाय वाले के यहाँ पे, या फिर साहू वाले के भी जा सकते हैं, और उसके बाद गरम गरम प्याज की कचौड़ी, और सीधा जल महल जाना, वहाँ का नज़ारा बहुत ही कमाल का होता है। नाहरगढ़ चले जाना और वहाँ से पूरी सिटी को देखना, वहाँ एकदम ग्रीनरी हो जाती है, पहाड़ से जब आप अपने जयपुर को निहारते हो ना तो मज़ा ही कुछ और होता है। और उसके बाद आमेर चले जाना, मस्ती करना, गरम गरम पकवान बनाना, जिसको हम हमारी देशी भाषा में गोठ बोलते हैं, गोठ करना, जंगल के अंदर ही लकड़ियाँ इकट्ठी करना, लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहीं पे आग जलाना, वहीं पे कुछ ना कुछ बनाना। नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेज बनाते हैं, वेजिटेरियन लोग सबसे ज़्यादा जो बनाते हैं वो है जयपुर की राजस्थानी डिश चूरमा दाल बाटी। हाय हाय, मेरा मन हो गया चूरमा दाल बाटी खाने का। बारिश है, कल भी रहे, तो क्यों ना दाल बाटी बनाया जाए और दाल बाटी का इस बारिश में लुत्फ लिया जाए। इस बात को नोट करना चाहिए और मैं नीचे जाके मम्मी से रिक्वेस्ट करूँगा कि दाल बाटी चूरमा बना दो मुझे। सो दोस्तों, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, बारिश खत्म हो गई है, इस वक्त मैं छत पे हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बादल है, ये पानी लेने जा रहे हैं, फिर बारिश होगी, फिर बी प्राग का यार हंसने लगेगा। इट्स अ जोक पार्ट। जयपुर शहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये पूरा जयपुर शहर है, देख सकते हैं आप। ये अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, इसी के बीचों बीच बसा है जयपुर शहर।
सो गाइस मज़ा आ रहा है और ये मज़ा दो गुना हो सकता है। सो गाइस मज़ा आ रहा है कि ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है बारिश में, और ये मज़ा दो गुना हो सकता है कि गर्मा गर्म चाय और पकोड़े मिल जाए। चाय पकोड़े, ठंडी ठंडी हवा, यार जन्नत है जन्नत, इसी को जन्नत कहते हैं। यार पापा देखा आपने मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मैं छत से रिकॉर्डिंग करके लेकर आया हूँ पूरी। आप क्या कर रहे हैं? मौसम के आनंद ले रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे बैठना। यार मेरे को एक बात बताओ, जब आप हमारे इसी उम्र में थे रामगढ़ भी है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो तो सारा वही सर्कल चलता रहता है। अच्छा, जो लोग जो आप लोगों ने किया वो आज हम कर रहे हैं, और हमारे फोर फादर्स भी करते हुए आए हैं, वो भी करते हैं, आगे वाली जनरेशन भी करेगी। यही तो मजा है ना अपने जयपुर का, अपने देसी कल्चर का, है ना? बहुत जोरदार जगह है, टूरिज्म के हिसाब से, दर्शनीय स्थलों के हिसाब से मजा आ जाता है। तो आप लोग क्या करते थे? नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ जाते थे, जलमेल क्या करते थे फिर वहाँ पे? कई दफे ऐसा प्रोग्राम बना लेते थे पहले से, जैसे मालूम पड़ गया कि मौसम बिल्कुल इस तरीके का है, तो वहाँ जाके चूरमा दाल बाटी की रसोई का प्रोग्राम कर लेते थे, साथ में कई दफा घर से बना करके ले जाते थे। और फिर अभी क्या खाने का मन कर रहा है इस मौसम को देख रहे? मतलब ऐसा इस मौसम को देख गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। दोस्तों मैंने क्या कहा था, मेरे मुंह की बात छीन ली पापा ने, ये मौसम है ही ऐसा कि इसमें गर्म गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए ना, तो जन्नत से कम नहीं है, वो जन्नत है। तो पकौड़े हो जाए? बिल्कुल हो जाने। तो आप ऑर्डर करोगे या माता रानी को मैं ऑर्डर करूँ, बताओ? तेरे ऑर्डर को मान लेगी? मान लेगी, मान लेगी। मैं नहीं तो मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मान लेगी, मान लेगी। चलो ठीक है, पकोड़े माता रानी पकोड़े पेश किए जाए। मम्मी क्या बना रहे हो? सेवैया की खीर बना रही हूँ। सेवियों की खीर बना रहे हो? अच्छा सुनो, पापा का ऑर्डर है, मेरा नहीं है। क्या? पकोड़े खाने उनको। बनाऊंगे पकोड़े भी, बनाएंगे प्याज के, प्याज के पकोड़े। अच्छा आपको पहले से पता था क्या? किसने बताया? पापा ने बोला था। मतलब यार पकोड़े, आप और पापा हो ना, आप और पापा को बताऊँ क्या हो, मतलब कभी खुशी कभी गम का है ना, वो सीन याद आ रहा है मुझे। ए माँ तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मुझे क्या खाना है? चलो जल्दी से बना लो पकोड़े। पसंद क्या है? अच्छा आपको पता है मेरी पसंद क्या है? तो इस मौसम में मुझे क्या अच्छा लगता है? प्याज के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, सेवैयों की खीर गर्मा गर्म। जल्दी से बना लो यार, अब रुका नहीं जा रहा मेरे को। अच्छा तो आपने ऑलरेडी पकोड़ों का घोल बना के रख रखा है? हाँ कितना टाइम लगेगा? नहीं खीर तो बन गई है, मुझे पकोड़े खाने हैं, कितना टाइम लगेगा बताओ? पकोड़े में सब कोई खाएगा, जल्दी बनाऊंगी पहले बना के। आप बना दो मेरे लिए, पापा के लिए तो बना दो जल्दी से, ठीक है? ठीक है ओके। सो गाइस गर्मा गर्म पकोड़े, नाम लिया चीज हाजिर। यही तो माँ बाप का प्यार है दोस्तों, यही तो प्यार है यार, मतलब क्या ही वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स। माँ माँ इधर देखो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, टेम टू यू। क्या 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 बोला आपने? टेम टू यू, आई लव यू टू, I love you too. So guys, माता रानी ने बना लिए हैं गर्मा गर्म पकोड़े, और पकोड़ों के साथ में बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। वो होता ना कि माँ को एक चीज के लिए कहो तो भाई साहब दिल खोल के रख देती है, एक नहीं बहुत सारे व्यंजन बना दिए, दस्तरखान लगा दिया है माँ ने।
वाह तुसी ग्रेट हो यार, चले चले पापा के पास, चलो आज फिर टेस्टिंग। चलो पापा तैयार हो? यस। हाँ यस। देखो यार पापा, आपकी धर्म पत्नी ने आपकी बात सुन ली। वैसे बहुत कम होता है कि पत्नी पति की बात सुने, हमेशा सुनाती सुनाती है। तो आपने हुक्म करा और माँ ने पकोड़े बना दिए भैया, और पकोड़ों के साथ में देखो इडली। गाइस मैंने कहा था ना आपको कि माता रानी किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देती है, बन गया है इडली। तो माँ बताओ क्या क्या बनाया आपने? इडली बनाई है, सेवइयों की खीर है, प्याज के मिर्ची के पकोड़े हैं, और बेजड़ के आटे की नमकीन पुड़िया है। पुड़िया है मसाले की। बेजड़ का आटा बताओ किन किन से मिलके बना होता है? ये चने गेहूं जो इनको हेल्दी हेल्दी एकदम। हाँ अच्छा, सारा पूरा सोयाबीन भी डाल दो उसमें, सोयाबीन में तो बहुत काफ़ी प्रोटीन होता है। सो गाइज हम अब इस खाने का लुत्फ उठाते हैं। पापा रेडी? रेडी बिल्कुल। आज मैंने नहीं बनाया है, सब मम्मी ने बनाया है, 10 में से 12 नंबर। हाँ चले चलो चलो खाओ। तो खाते हैं और खाकर आपको देंगे रिव्यू मम्मी को। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट वीडियो में आप I love you too. ये मौसम की बारिश, ये ताउते का असर। वैसे जब मैंने पहली बार नाम सुना ताउते, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, ये कौन से तूफान का नाम आ गया ताउते। लेकिन ताउते का जो नाम का मतलब है वो है छिपकली से। जी हाँ, छिपकली से। एक्चुअली क्या है ना कि ये रखा है म्यांमार ने इसका नाम ताउते, और ताउते का मतलब होता है छिपकली, जो धीरे 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 आती है और सडनली अटैक करती है और सारा जो भी अपना शिकार होता है उसको अपने शिकंजे में ले लेती है। तो इस ताउते ने भी ऐसा किया है, धीरे 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 आया है और आकर पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया है। इसने पहले तबाही मचाई केरल में, उसके बाद गोवा में, और गोवा से ही सीधा आया मुंबई, और मुंबई की तबाही तो आप सब लोग देख ही चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया हो या फिर मरीन ड्राइव हो, कोई भी कैसी भी जगह हो, सब जगह तबाही मचाई है। और उसके बाद ये एंटर हो गए हैं अहमदाबाद, गुजरात, और गुजरात के बहुत सारे इलाके में, और उसके बाद इन्होंने दस्तक दिया है पधारो मारे देश राजस्थान। कमाल की बारिश हो रही है हर जगह। वैसे ही लॉकडाउन के कारण तो सब कुछ बंद है, लेकिन बारिश ने और भी सब कुछ बंद कर दिया है। मज़ा आ गया है। जयपुर का टेम्परेचर हो गया है बिल्कुल जैसे कि शिमला, एकदम ठंड। जहाँ पर लोग एसी चला रखे थे, कूलर लगा रखा था कि भैया गर्मी हो गई गर्मी हो गई गर्मी हो गई, अब वो लोग पंखा भी नहीं चला रहे हैं, खिड़कियाँ भी बंद करके बैठे हैं। तो तूफ़ान ये साइक्लोन जो आया है इतना गंदा ताउते, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा और उसके साथ में बारिश, वाह। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो जयपुर वाले लोग हैं ना, वो ऐसे मौसम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं नाहरगढ़। तो मुझे तो नाहरगढ़ की याद है, नाहरगढ़ गरम गरम चाय की प्याली और उसके साथ में गर्मा गर्म पकौड़े, इससे अच्छा सुख तो मिल ही नहीं सकता इस बारिश के अंदर। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि जब ऐसी बारिश होती है तो आप अपने शहर में कौन सी जगह जाना पसंद करते हैं, जहाँ पर सबसे अच्छा सुकून मिलता हो आपको, जहाँ के नज़ारे अद्भुत हो, जहाँ मज़ा आ जाए जाकर। देखो जयपुर वालों को तो 4-5 चीज़ें बहुत पसंद है बारिश में। गरम गरम जाकर, हाँ हाँ गरम गरम चाय की चुस्की लेना गुलाब जी चाय वाले के यहाँ पे, या फिर साहू वाले के भी जा सकते हैं, और उसके बाद गरम गरम प्याज की कचौड़ी और सीधा जल महल जाना, वहाँ का नज़ारा बहुत ही कमाल का होता है। नाहरगढ़ चले जाना और वहाँ से पूरी सिटी को देखना, वहाँ एकदम ग्रीनरी हो जाती है, पहाड़ से जब आप अपने जयपुर को निहारते हो ना तो मज़ा ही कुछ और होता है। और उसके बाद आमेर चले जाना,
मस्ती करना, गरम गरम पकवान बनाना, जिसको हम हमारी देशी भाषा में गोठ बोलते हैं, गोठ करना, जंगल के अंदर ही लकड़ियाँ इकट्ठी करना, लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहीं पे आग जलाना, वहीं पे कुछ ना कुछ बनाना। नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेज बनाते हैं। वेजिटेरियन लोग सबसे ज़्यादा जो बनाते हैं वो है जयपुर की राजस्थानी डिश चूरमा दाल बाटी। हाय हाय, मेरा मन हो गया चूरमा दाल बाटी खाने का। बारिश है, कल भी रहे, तो क्यों ना दाल बाटी बनाया जाए और दाल बाटी का इस बारिश में लुत्फ लिया जाए। इस बात को नोट करना चाहिए और मैं नीचे जाके मम्मी से रिक्वेस्ट करूँगा कि दाल बाटी चूरमा बना दो मुझे। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, बारिश खत्म हो गई है। इस वक्त मैं छत पे हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बादल है ये पानी लेने जा रहे हैं। फिर बारिश होगी, फिर बी प्राग का यार हंसने लगेगा। जोक पार्ट। जयपुर शहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये पूरा जयपुर शहर है, देख सकते हैं आप। ये अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, इसी के बीचों बीच बसा है जयपुर शहर। तो गाइस मज़ा आ रहा है और ये मज़ा दोगुना हो सकता है। सो गाइस मज़ा आ रहा है, ये ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है बारिश में, और ये मज़ा दोगुना हो सकता है कि गर्मा गर्म चाय और पकोड़े मिल जाए। चाय पकोड़े, ठंडी ठंडी हवा, क्या जन्नत है, जन्नत, इसी को जन्नत कहते हैं। आप हमारी सी उम्र में थे, आप लोग अपने दोस्तों के साथ में ऐसे मौसम में जा करते थे? मौसम में यार गाड़ी उठा करके निकल जाते थे, जलमहल चले जाते थे, नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ चले जाते थे, और ज्यादा लंबा जाना और किया वो आज हम कर रहे हैं, और हमारे फोर फादर्स भी करते हुए आए हैं, वो भी करते हैं, आगे वाली जनरेशन भी करेगी। यही तो मजा है ना अपने जयपुर का, अपने देसी कल्चर का, है ना। बहुत जोरदार तो आप लोग क्या करते थे? नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ जाते थे, जलमहल क्या करते थे फिर वहाँ पे? कई दफ़े ऐसा प्रोग्राम बना लेते थे पहले से, जैसे मालूम पड़ गया कि मौसम बिल्कुल इस तरीके का है, तो वहाँ जाके चूरमा दाल बाटी की रसोई का प्रोग्राम कर लेते थे, साथ में कई दफ़ा घर से बना करके ले जाते थे। और फिर अभी क्या खाने का मन कर रहा है आप मौसम को देख रहे? मतलब इस मौसम को देख गर्मा गर्म पकौड़े। दोस्तों मैंने क्या कहा था, मेरे मुंह की बात छीन ली पापा ने। ये मौसम है ही ऐसा कि इसमें गरम गरम चाय और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए ना, तो जन्नत से कम नहीं है, वो जन्नत है। तो पकौड़े हो जाए, बिल्कुल हो जाने। तो आप ऑर्डर करोगे या माता रानी को मैं ऑर्डर करूँ, बताओ? तेरे ऑर्डर को मान लेगी? मान लेगी, मान लेगी। मैं नहीं तो मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो मान लेगी। चलो ठीक है, पकौड़े माता रानी पकोड़े पेश किए जाएं। मम्मी क्या बना रहे हो? सेवैयों की खीर बना रही हूँ। सेवैयों की खीर बना रहे हो? अच्छा सुनो, पापा का ऑर्डर है, मेरा नहीं है। क्या पकोड़े खाने उनको? नहीं
पकोड़े भी बनाएंगे प्याज के पकोड़े। अच्छा आपको पहले से पता था क्या? किसने बताया? पापा ने बोला था। मतलब यार पकोड़े आप और पापा हो ना, आप और पापा को पता क्या हो, मतलब कभी खुशी कभी गम का है ना वो सीन याद आ रहा है मुझे। ए माँ तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मुझे क्या खाना है? चलो जल्दी से बना लो पकोड़े। पसंद क्या है? अच्छा आपको पता है मेरी पसंद क्या है? तो इस मौसम में मुझे क्या अच्छा लगता है? प्याज के पकोड़े सेवइयों की खीर गर्मा गर्म। जल्दी से बना लो यार, अब रुका नहीं जा रहा मेरे को। अच्छा तो आपने ऑलरेडी पकोड़ों का घोल बना के रख रखा है? हाँ सही है। कितना टाइम लगेगा? नहीं खीर तो बन गई है, मुझे पकोड़े खाने हैं। कितना टाइम लगेगा बताओ? पकोड़े बस हम कोई खाएगा जल्दी बनाऊंगी पहले बना के। आप बना दो मेरे लिए, पापा के लिए तो बना दो जल्दी से। ठीक है ठीक है ओके। सो गाइस गर्मा गर्म पकोड़े नाम लिया चीज हाजिर। यही तो माँ बाप का प्यार है दोस्तों, यही तो प्यार है यार। मतलब क्या है गर? वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स। माँ माँ इधर देखो, I love you. क्या 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 बोला आपने? Same to you. I love you too. So guys, माता रानी ने बना लिए हैं गर्मा गर्म पकोड़े और पकोड़ों के साथ में बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। होता ना कि माँ को एक चीज के लिए कहो तो भाई साहब दिल खोल के रख देती है, एक नहीं बहुत सारे व्यंजन बना दिए, दस्तरखान लगा दिया माँ ने। माँ तो सी ग्रेट हो यार। चले पापा के पास चलो, आज फिर टेस्टिंग। चलो पापा तैयार हो? यस। हाँ यस। देखो यार पापा, आपकी धर्मपत्नी ने आपकी बात सुन ली। वैसे बहुत कम होता है कि पत्नी पति की बात सुने, हमेशा सुनाती है। तो आपने हुक्म करा और माँ ने पकोड़े बना दिए भैया, और पकोड़ों के साथ में देखो इडली। गाइस मैंने कहा था ना आपको कि माता रानी किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देती है, बन गया है इडली। तो माँ बताओ क्या क्या बनाया आपने? इडली बनाई है, सेवइयों की खीर है, प्याज के मिर्ची के पकौड़े हैं, और बेजड़ के आटे की नमकीन पुड़िया है। बेजड़ का आटा बताओ किन किन से मिलके बना होता है? चने गेहूं जो हेल्दी एकदम। हाँ अच्छा, सारा पूरा सोयाबीन भी डाल लो इसमें, सोयाबीन में तो बहुत काफी प्रोटीन होता है। सो गाइस हम अब इस खाने का लुत्फ उठाते हैं। पापा रेडी? आज मैंने नहीं बनाया, सब मम्मी ने बनाया है, 10 में से 12 नंबर। आ चले चलो खाओ। तो खाते हैं और खाकर आपको देंगे रिव्यू मम्मी को। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अभी पेट पूजा, बाद में काम दूजा। I love you too. ये मौसम की बारिश, ये ताऊते का असर। वैसे जब मैंने पहली बार नाम सुना ताऊते तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, ये कौन से तूफान का नाम आ गया ताऊते। लेकिन ताऊते का जो नाम का मतलब है वो है छिपकली से। जी हाँ छिपकली से। एक्चुअली क्या है ना कि ये रखा है म्यांमार ने इसका नाम ताऊते, और ताऊते का मतलब होता है छिपकली, जो धीरे 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 आती है और सडनली अटैक करती है और सारा जो भी अपना शिकार होता है उसको अपने शिकंजे में ले लेती है। तो इस ताऊते ने भी ऐसा किया है, धीरे 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 आया है और आकर पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया है। इसने पहले तबाही मचाई केरल में, उसके बाद गोवा में, और गोवा से सीधा आया मुंबई, और मुंबई की तबाही तो आप सब लोग देख ही चुके हैं।
गेटवे ऑफ इंडिया हो या फिर मरीन ड्राइव हो, कोई भी कैसी भी जगह हो, सब जगह तबाही मचाई है। और उसके बाद ये एंटर हो गए हैं अहमदाबाद, गुजरात, और गुजरात के बहुत सारे इलाके में। और उसके बाद इन्होंने दस्तक दिया है पधारो मारे देश राजस्थान। कमाल की बारिश हो रही है हर जगह। वैसे ही लॉकडाउन के कारण तो सब कुछ बंद है, लेकिन बारिश ने और भी सब कुछ बंद कर दिया है। मज़ा आ गया है। जयपुर का टेम्परेचर हो गया है बिल्कुल जैसे कि शिमला, एकदम ठंड। जहाँ पर लोग एसी चला रखे थे, कूलर लगा रखा था कि भैया गर्मी हो गई, गर्मी हो गई, गर्मी हो गई, अब वो लोग पंखा भी नहीं चला रहे हैं, खिड़कियाँ भी बंद करके बैठे हैं। एक तो तूफ़ान, ये साइक्लोन जो आया है इतना गंदा ताऊते, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा और उसके साथ में बारिश, वाह। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो जयपुर वाले लोग हैं ना, वो ऐसे मौसम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं नाहरगढ़। तो मुझे तो नाहरगढ़ की याद है, नाहरगढ़ गरम गरम चाय की प्याली और उसके साथ में गर्मा गर्म पकौड़े, इससे अच्छा सुख तो मिल ही नहीं सकता इस बारिश के अंदर। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि जब ऐसी बारिश होती है तो आप अपने शहर में कौन सी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पर सबसे अच्छा सुकून मिलता हो आपको, जहाँ के नज़ारे अद्भुत हो, जहाँ मज़ा आ जाए जाकर। देखो जयपुर वालों को तो चार पांच चीज़ें बहुत पसंद है बारिश में। गरम गरम जाकर, हाँ गरम गरम चाय की चुस्की लेना, गुलाब जी चाय वाले के यहाँ पे, या फिर साहू वाले के भी जा सकते हैं। और उसके बाद गरम गरम प्याज की कचौड़ी और सीधा जल महल जाना, वहाँ का नज़ारा बहुत ही कमाल का होता है। नाहरगढ़ चले जाना और वहाँ से पूरी सिटी को देखना, वहाँ एकदम ग्रीनरी हो जाती है। पहाड़ से जब आप अपने जयपुर को निहारते हो ना, तो मज़ा ही कुछ और होता है। और उसके बाद आमेर चले जाना, मस्ती करना, गरम गरम पकवान बनाना, जिसको हम हमारी देशी भाषा में गोट बोलते हैं, गोट करना, जंगल के अंदर ही लकड़ियाँ इकट्ठी करना, लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहीं पे आग जलाना, वहीं पे कुछ ना कुछ बनाना। नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेज बनाते हैं, वेजिटेरियन लोग सबसे ज़्यादा जो बनाते हैं वो है जयपुर की राजस्थानी डिश चूरमा दाल बाटी। हाय हाय, मेरा मन हो गया चूरमा दाल बाटी खाने का। बारिश है, कल भी रहे, तो क्यों ना दाल बाटी बनाया जाए और दाल बाटी का इस बारिश में लुत्फ लिया जाए। इस बात को नोट करना चाहिए और मैं नीचे जाके मम्मी से रिक्वेस्ट करूँगा कि दाल बाटी चूरमा बना दो मुझे। सो दोस्तों बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, बारिश खत्म हो गई है, इस वक्त मैं छत पे हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बादल है, ये पानी लेने जा रहे हैं, फिर बारिश होगी, फिर बी प्राग का यार हंसने लगेगा। इट्स अ जोक पार्ट। जयपुर शहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये पूरा जयपुर शहर है, देख सकते हैं आप। ये अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, इसी के बीचों बीच बसा है जयपुर शहर। तो गाइस मज़ा आ रहा है और ये मज़ा दोगुना हो सकता है। सो गाइस मज़ा आ रहा है, ये ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है बारिश में, और ये मज़ा दोगुना हो सकता है कि गर्मा गर्म चाय और पकोड़े मिल जाए। चाय पकोड़े, ठंडी ठंडी हवा, यार जन्नत है जन्नत, इसी को जन्नत कहते हैं। देखा आपने मौसम कितना अच्छा हो रहा है।
मैं छत से रिकॉर्डिंग करके लेकर आया हूँ पूरी। आप क्या कर रहे हैं? मौसम के आनंद ले रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे बैठना। यार मेरे को एक बात बताओ, जब आप हमारे इसी उम्र में थे मौसम में यार गाड़ी उठा करके निकल जाते थे, जलमहल चले जाते थे, नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ चले जाते थे, और ज़्यादा लंबा जाना और खाटू श्यामजी की तरफ निकल जाते थे। हाँ तो सही, जयपुर में इससे बेस्ट लोकेशन और क्या मिलेगी लोगों को? रामगढ़ भी है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो सारा वही सर्कल चलता रहता है। अच्छा, जो लोग जो आप लोगों ने किया वो आज हम कर रहे हैं, और हमारे फोर फादर्स भी करते हुए आए हैं, वो भी करते हैं, आगे वाली जनरेशन भी करेगी। यही तो मजा है ना अपने जयपुर का, अपने देसी कल्चर का, है ना? बहुत जोरदार जगह है, टूरिज्म के हिसाब से, दर्शनीय स्थलों के हिसाब से मजा आ जाता है। तो आप लोग क्या करते थे? नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ जाते थे, जलमहल क्या करते थे फिर वहाँ पे? कई दफे ऐसा प्रोग्राम बना लेते थे पहले से, जैसे मालूम पड़ गया कि मौसम बिल्कुल इस तरीके का है, तो वहाँ जाके चूरमा दाल बाटी की रसोई का प्रोग्राम कर लेते थे, साथ में कई दफा घर से बना करके ले जाते थे। और फिर अभी क्या खाने का मन कर रहा है आप मौसम को देख रहे? मतलब ऐसा इस मौसम को देख गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। दोस्तों मैंने क्या कहा था, मेरे मुंह की बात छीन ली पापा ने। ये मौसम है ही ऐसा कि इसमें गरम गरम चाय और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए ना, तो जन्नत से कम नहीं है, वो जन्नत है। तो पकौड़े हो जाए? बिल्कुल हो जाने। तो आप ऑर्डर करोगे या माता रानी को मैं ऑर्डर करूँ, बताओ? तेरे ऑर्डर को मान लेगी? मान लेगी, मान लेगी। मैं नहीं तो मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मान लेगी, मान लेगी। चलो ठीक है, पकौड़े माता रानी पकोड़े पेश किए जाएं। मम्मी क्या बना रहे हो? सेवैयों की खीर बना रही हूँ। सेवैयों की खीर बना रहे हो? अच्छा सुनो, पापा का ऑर्डर है, मेरा नहीं है। क्या पकोड़े खाने? उनको बनाऊंगे, पकोड़े भी बनाएंगे प्याज के, प्याज के पकोड़े। अच्छा आपको पहले से पता था क्या? किसने बताया? पापा ने बोला था। मतलब यार आप और पापा, वो है ना आप और पापा को पता क्या हो, मतलब कभी खुशी कभी गम का है ना, वो सीन याद आ रहा है मुझे। ए माँ तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मुझे क्या खाना है? चलो जल्दी से बना लो पकौड़े। पसंद क्या है? अच्छा आपको पता है मेरी पसंद क्या है? तो इस मौसम में मुझे क्या अच्छा लगता है? प्याज के पकौड़े, प्याज के पकोड़े, सेवैयों की खीर गर्मा गर्म। जल्दी से बना लो यार, अब रुका नहीं जा रहा मेरे को। अच्छा तो आपने ऑलरेडी पकोड़ों का घोल बना के रख रखा है? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। कितना टाइम लगेगा? नहीं खीर तो बन गई है, मुझे पकोड़े खाने हैं। कितना टाइम लगेगा बताओ? पकोड़े मतलब सब कोई खाएगा, जल्दी बनाऊंगी पहले बना के। आप बना दो मेरे लिए, पापा के लिए तो बना दो जल्दी से, ठीक है? ठीक है ओके। गर्मा गर्म पकोड़े, नाम लिया चीज हाजिर। यही तो माँ बाप का प्यार है दोस्तों, यही तो प्यार है यार, मतलब क्या है वर्ड्स नहीं है वर्ड्स। माँ माँ इधर देखो, आई लव यू, I love you, same to you। क्या 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 बोला आपने? Same to you। I love you too। I love you too। So guys, माता रानी ने बना लिए गर्मा गर्म पकौड़े, और पकौड़ों के साथ में बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। वो होता ना कि माँ को एक चीज के लिए कहो तो भाई साहब दिल खोल के रख देती है, एक नहीं बहुत सारे व्यंजन बना दिए, दस्तरखान लगा दिया माँ ने। माँ तो सी ग्रेट हो यार। चले चले पापा के पास, चलो आज फिर टेस्टिंग। चलो पापा तैयार हो? यस। हाँ यस। देखो यार पापा, आपकी धर्मपत्नी ने आपकी बात सुन ली। वैसे बहुत कम होता है कि पत्नी पति की बात सुने, हमेशा सुनाती सुनाती है। तो आपने हुक्म करा और माँ ने पकोड़े बना दिए भैया, और पकोड़ों के साथ में देखो इडली। गाइस मैंने कहा था ना आपको,
कि माता रानी किसी भी चीज को खराब नहीं होने देती है। बन गया है इडली। तो माँ बताओ क्या क्या बनाया आपने? इडली बनाई है, सेवइयों की खीर है, प्याज के मिर्ची के पकोड़े हैं और बेजड़ के आटे की नमकीन पुड़िया है। पुड़िया है मसाले की। बेजड़ का आटा बताओ किन किन से मिलके बना होता है? चने गेहूं जो हेल्दी एकदम। अच्छा सारा पूरा सोयाबीन भी डाल लो इसमें, सोयाबीन में तो बहुत काफी प्रोटीन होता है। सो गाइस हम अब इस खाने का लुत्फ उठाते हैं। पापा रेडी? रेडी बिल्कुल। आज मैंने नहीं बनाया, सब मम्मी ने बनाया है। 10 में से 12 नंबर आ। चलें? चलो खाओ। तो खाते हैं और खाकर आपको देंगे रिव्यू मम्मी को। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट वीडियो में आप I love you too. ये मौसम की बारिश, ये ताउते का असर। वैसे जब मैंने पहली बार नाम सुना ताउते तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, यार ये कौन से तूफान का नाम आ गया ताउते। लेकिन ताउते का जो नाम का मतलब है वो है छिपकली से। जी हाँ, छिपकली से। एक्चुअली क्या है ना कि ये रखा है म्यांमार ने इसका नाम ताउते, और ताउते का मतलब होता है छिपकली, जो धीरे 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 आती है और सडनली अटैक करती है और सारा जो भी अपना शिकार होता है उसको अपने शिकंजे में ले लेती है। तो इस ताउते ने भी ऐसा किया है, धीरे 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 आया है और आकर पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया है। इसने पहले तबाही मचाई केरल में, उसके बाद गोवा में, और गोवा से सीधा आया मुंबई, और मुंबई की तबाही तो आप सब लोग देख ही चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया हो या फिर मरीन ड्राइव हो, कोई भी कैसी भी जगह हो, सब जगह तबाही मचाई है। और उसके बाद ये एंटर हो गए हैं अहमदाबाद, गुजरात, और गुजरात के बहुत सारे इलाके में, और उसके बाद इन्होंने दस्तक दिया है पधारो मारे देश राजस्थान। कमाल की बारिश हो रही है हर जगह। वैसे ही लॉकडाउन के कारण तो सब कुछ बंद है, लेकिन बारिश ने और भी सब कुछ बंद कर दिया है। मज़ा आ गया है। जयपुर का टेम्परेचर हो गया है बिल्कुल जैसे कि शिमला, एकदम ठंड। जहाँ पर लोग एसी चला रखे थे, कूलर लगा रखा था कि भैया गर्मी हो गई, अब वो लोग पंखा भी नहीं चला रहे हैं, खिड़कियाँ भी बंद करके बैठे हैं। एक तो तूफ़ान, ये साइक्लोन जो आया है इतना गंदा ताउते, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा और उसके साथ में बारिश, वाह। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो जयपुर वाले लोग हैं ना, वो ऐसे मौसम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं नाहरगढ़। तो मुझे तो नाहरगढ़ की याद है, नाहरगढ़ गरम गरम चाय की प्याली और उसके साथ में गर्मा गर्म पकौड़े, इससे अच्छा सुख तो मिल ही नहीं सकता इस बारिश के अंदर। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि जब ऐसी बारिश होती है तो आप अपने शहर में कौन सी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पर सबसे अच्छा सुकून मिलता हो आपको, जहाँ के नज़ारे अद्भुत हो, जहाँ मज़ा आ जाए जाकर। देखो जयपुर वालों को तो 4-5 चीज़ें बहुत पसंद है बारिश में। गरम गरम जाकर, हाँ गरम गरम चाय की चुस्की लेना, गुलाब जी चाय वाले के यहाँ पे, या फिर साहू वाले के भी जा सकते हैं। और उसके बाद गरम गरम प्याज की कचौड़ी और सीधा जल महल जाना, वहाँ का नज़ारा बहुत ही कमाल का होता है। नाहरगढ़ चले जाना और वहाँ से पूरी सिटी को देखना, वहाँ एकदम ग्रीनरी हो जाती है, पहाड़ से जब आप अपने जयपुर को निहारते हो ना तो मज़ा ही कुछ और होता है। और उसके बाद आमेर चले जाना, मस्ती करना, गरम गरम पकवान बनाना, जिसको हम हमारी देशी भाषा में गोठ बोलते हैं, गोठ करना, जंगल के अंदर ही लकड़ियाँ इकट्ठी करना, लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहीं पे आग जलाना, वहीं पे कुछ ना कुछ बनाना। नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेज बनाते हैं, वेजिटेरियन लोग सबसे ज़्यादा जो बनाते हैं वो है जयपुर की राजस्थानी डिश चूरमा दाल बाटी। हाय हाय मेरा मन हो गया चूरमा दाल बाटी खाने का। बारिश है, कल भी रहे, तो क्यों ना दाल बाटी बनाया जाए और दाल बाटी का इस बारिश में लुत्फ लिया जाए।
इस बात को नोट करना चाहिए और मैं नीचे जाके मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दाल बाटी चूरमा बना दो मुझे। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, बारिश खत्म हो गई है, इस वक्त मैं छत पे हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बादल है ये पानी लेने जा रहे हैं, फिर बारिश होगी, फिर बी प्राग का यार हंसने लगेगा। जोक पार्ट। जयपुर शहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये पूरा जयपुर शहर है, देख सकते हैं आप। ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, इसी के बीचों बीच बसा है जयपुर शहर। गाइस मज़ा आ रहा है और ये मज़ा दोगुना हो सकता है। सो गाइस मज़ा आ रहा है, ये ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है बारिश में, और ये मज़ा दोगुना हो सकता है कि गर्मा गर्म चाय और पकोड़े मिल जाए। चाय पकोड़े ठंडी ठंडी हवा, यार जन्नत है जन्नत, इसी को जन्नत कहते हैं। आप हमारी इसी उम्र में थे, आप लोग अपने दोस्तों के साथ में ऐसे मौसम में क्या करते थे? मौसम में यार गाड़ी उठा करके निकल जाते थे, जलमहल चले जाते थे, नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ चले जाते थे, ज्यादा लंबा जाना और हमारे फोर फादर्स भी करते हुए आए, वो भी करते हैं, आगे वाली जनरेशन भी करेगी। यही तो मजा है ना अपने जयपुर का, अपने देसी कल्चर का, है ना। बहुत जोरदार तो आप लोग क्या करते थे? नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ जाते थे, जलमहल क्या करते थे फिर वहाँ पे? कई दफे ऐसा प्रोग्राम बना लेते थे पहले से, जैसे मालूम पड़ गया कि मौसम बिल्कुल इस तरीके का है तो वहाँ जाके चूरमा दाल बाटी की रसोई का प्रोग्राम कर लेते थे, साथ में कई दफा घर से बना करके ले जाते थे। और फिर अभी क्या खाने का मन कर रहा है इस मौसम को देख कर? मतलब ऐसा इस मौसम को देख गर्मा गर्म पकौड़े। दोस्तों मैंने क्या कहा था, मेरे मुंह की बात छीन ली पापा ने। ये मौसम है ही ऐसा कि इसमें गरम गरम चाय और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए ना तो जन्नत से कम नहीं है, वो जन्नत है। तो पकौड़े हो जाए, बिल्कुल हो जाने तो चाहिए। आप ऑर्डर करोगे या माता रानी को मैं ऑर्डर करूँ, बताओ? तेरे ऑर्डर को मान लेगी? मान लेगी, मान लेगी। मैं नहीं तो मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मान लेगी, मान लेगी। चलो ठीक है, पकौड़े माता रानी पकोड़े पेश किए जाएं। मम्मी क्या बना रहे हो? सेवैयों की खीर बना रही हूँ। सेवैयों की खीर बना रहे हो? अच्छा सुनो, पापा का ऑर्डर है, मेरा नहीं है। क्या पकोड़े खाने हैं? उनको बनाऊंगी, पकोड़े भी बनाएंगे प्याज के, प्याज के पकोड़े। अच्छा आपको पहले से पता था क्या? किसने बताया? पापा ने बोला था। मतलब यार आप और पापा वो ना, आप और पापा को पता क्या हो, मतलब कभी खुशी कभी गम का है ना वो सीन याद आ रहा है मुझे। ए माँ तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मुझे क्या खाना है? चलो जल्दी से बना लो पकौड़े। पसंद क्या है? अच्छा आपको पता है मेरी पसंद क्या है? तो इस मौसम में मुझे क्या अच्छा लगता है? प्याज के पकौड़े, प्याज के पकोड़े, सेवैयों की खीर गर्मा गर्म।
जल्दी से बना लो यार, अब रुका नहीं जा रहा मेरे को। अच्छा तो आपने ऑलरेडी पकोड़ों का घोल बना के रख रखा है? हाँ सही है। कितना टाइम लगेगा? नहीं खीर तो बन गई है, मुझे पकोड़े खाने हैं। कितना टाइम लगेगा बताओ? पकोड़े बस अब कोई खाएगा जब नहीं बनाऊंगी पहले बना के। आप बना दो मेरे लिए, पापा के लिए तो बना दो जल्दी से। ठीक है ठीक है ओके। सो गाइस गर्मा गर्म पकोड़े, नाम लिया चीज हाजिर। ये तो माँ बाप का प्यार है दोस्तों, यही तो प्यार है यार। मतलब क्या है गर? वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स। माँ माँ इधर देखो, आई लव यू, आई लव यू। क्या 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 बोला आपने? सैम टू यू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। सो गाइस माता रानी ने बना लिए हैं गर्मा गर्म पकौड़े, और पकौड़ों के साथ में बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। होता ना कि माँ को एक चीज़ के लिए कहो तो भाई साहब दिल खोल के रख देती है, एक नहीं बहुत सारे व्यंजन बना दिए, दस्तरखान लगा दिया है माँ ने। माँ तो सी ग्रेट हो यार। चले पापा के पास चलो, आज फिर टेस्टिंग। चलो पापा तैयार हो? यस। हाँ यस। देखो यार पापा, आपकी धर्म पत्नी ने आपकी बात सुन ली। वैसे बहुत कम होता है कि पत्नी पति की बात सुने, हमेशा सुनाती सुनाती है। तो आपने हुक्म करा और माँ ने पकोड़े बना दिए भैया, और पकोड़ों के साथ में देखो इडली। गाइस मैंने कहा था ना आपको कि माता रानी किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देती है, बन गया है इडली। तो माँ बताओ क्या क्या बनाया आपने? इडली बनाई है, सेवइयों की खीर है, प्याज के मिर्ची के पकोड़े हैं, और बेजर के आटे की नमकीन पुड़िया है मसाले की। बेजर का आटा बताओ किन किन से मिलके बना होता है? चने गेहूं जो हेल्दी एकदम। हाँ अच्छा, सारा पूरा सोयाबीन भी डाल लो इसमें, सोयाबीन में तो बहुत काफ़ी प्रोटीन होता है। सो गाइस हम अब इस खाने का लुत्फ उठाते हैं। पापा रेडी? रेडी। आज मैंने नहीं बनाया, सब मम्मी ने बनाया है, 10 में से 12 नंबर। हाँ चले चलो खाओ। Same to you. I love you too. I love you too. ये मौसम की बारिश, ये ताऊते का असर। वैसे जब मैंने पहली बार नाम सुना ना ताऊते, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, ये कौन से तूफान का नाम आ गया ताऊते। लेकिन ताऊते का जो नाम का मतलब है वो है छिपकली से। जी हाँ छिपकली से। एक्चुअली क्या है ना कि ये रखा है म्यांमार ने इसका नाम ताऊते, और ताऊते का मतलब होता है छिपकली, जो धीरे 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 आती है और सडनली अटैक करती है और सारा जो भी अपना शिकार होता है उसको अपने शिकंजे में ले लेती है। तो इस ताऊते ने भी ऐसा किया, धीरे 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 आया है और आकर पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया है। इसने पहले तबाही मचाई केरल में, उसके बाद गोवा में, और गोवा से सीधा आया मुंबई, और मुंबई की तबाही तो आप सब लोग देख ही चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया हो या फिर मरीन ड्राइव हो, कोई भी कैसी भी जगह हो, सब जगह तबाही मचाई है। और उसके बाद ये एंटर हो गए हैं अहमदाबाद, गुजरात, और गुजरात के बहुत सारे इलाके में, और उसके बाद इन्होंने दस्तक दिया है पधारो मारे देश राजस्थान। कमाल की बारिश हो रही है हर जगह। वैसे ही लॉकडाउन के कारण तो सब कुछ बंद है, लेकिन बारिश ने और भी सब कुछ बंद कर दिया है। मज़ा आ गया है, जयपुर का टेम्परेचर हो गया है बिल्कुल जैसे कि शिमला, एकदम ठंड। जहाँ पर लोग एसी चला रखे थे, कूलर लगा रखा था कि भैया गर्मी हो गई, अब वो लोग पंखा भी नहीं चला रहे हैं, खिड़कियाँ भी बंद करके बैठे हैं। एक तो तूफ़ान, ये साइक्लोन जो आया है इतना गंदा ताऊते, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, और उसके साथ में बारिश। वाह
वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो जयपुर वाले लोग हैं ना, वो ऐसे मौसम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं नाहरगढ़। तो मुझे तो नाहरगढ़ की याद है, नाहरगढ़ गरम गरम चाय की प्याली और उसके साथ में गर्मा गर्म पकौड़े, इससे अच्छा सुख तो मिल ही नहीं सकता इस बारिश के अंदर। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि जब ऐसी बारिश होती है तो आप अपने शहर में कौन सी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पर सबसे अच्छा सुकून मिलता हो आपको, जहाँ के नज़ारे अद्भुत हो, जहाँ मज़ा आ जाए जाता। देखो जयपुर वालों को तो चार पांच चीज़ें बहुत पसंद है बारिश में, गरम गरम जाकर, हाँ गरम गरम चाय की चुस्की लेना गुलाब जी चाय वाले के यहाँ पे, या फिर साहू वाले के भी जा सकते हैं, और उसके बाद गरम गरम प्याज की कचौड़ी और सीधा जल महल जाना, वहाँ का नज़ारा बहुत ही कमाल का होता है। नाहरगढ़ चले जाना और वहाँ से पूरी सिटी को देखना, वहाँ एकदम ग्रीनरी हो जाती है, पहाड़ से जब आप अपने जयपुर को निहारते हो ना तो मज़ा ही कुछ और होता है। और उसके बाद आमेर चले जाना, मस्ती करना, गरम गरम पकवान बनाना, जिसको हम हमारी देशी भाषा में गोठ बोलते हैं, गोठ करना, जंगल के अंदर ही लकड़ियाँ इकट्ठी करना, लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहीं पे आग जलाना, वहीं पे कुछ ना कुछ बनाना। नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेज बनाते हैं, वेजिटेरियन लोग सबसे ज़्यादा जो बनाते हैं वो है जयपुर की राजस्थानी डिश चूरमा दाल बाटी। हाय हाय मेरा मन हो गया चूरमा दाल बाटी खाने का। बारिश है, कल भी रहे, तो क्यों ना दाल बाटी बनाया जाए और दाल बाटी का इस बारिश में लुत्फ लिया जाए। इस बात को नोट करना चाहिए और मैं नीचे जाके मम्मी से रिक्वेस्ट करूँगा कि दाल बाटी चूरमा बना दो मुझे। सो दोस्तों बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, बारिश खत्म हो गई है, इस वक्त मैं छत पे हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बादल है ये पानी लेने जा रहे हैं, फिर बारिश होगी, फिर बी प्राग का यार हंसने लगेगा। जोक पार्ट। जयपुर शहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको, ये पूरा जयपुर शहर है देख सकते हैं आप, ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसी के बीचों बीच बसा है जयपुर शहर। सो गाइस मजा आ रहा है और ये मज़ा दोगुना हो सकता है। सो गाइस मज़ा आ रहा है, ये ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है बारिश में, और ये मज़ा दोगुना हो सकता है कि गर्मा गर्म चाय और पकोड़े मिल जाए, चाय पकोड़े, ठंडी ठंडी हवा, क्या जन्नत है जन्नत, इसी को जन्नत कहते हैं। देखा आपने मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मैं छत से रिकॉर्डिंग करके लेकर आया हूँ पूरी। आप क्या कर रहे हैं? मौसम की आनंद ले रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे बैठना। यार मेरे को एक बात बताओ, जब आप हमारी सी उम्र में थे तो जैसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ में ऐसे मौसम में जा करते थे? ऐसे मौसम में यार गाड़ी उठा करके निकल जाते थे, जल महल चले जाते थे, नाहरगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ चले जाते थे, ज़्यादा लंबा जाना और खाटू शाटू की तरफ निकल जाते थे। हाँ तो सही, जयपुर में इससे बेस्ट लोकेशन और क्या मिलेगी लोगों को? रामगढ़ भी है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो तो सारा वही सर्कल चलता रहता है। अच्छा, जो लोग जो आप लोगों ने किया वो आज हम कर रहे हैं, और हमारे फोर फादर्स भी करते हुए आए हैं, वो भी करते हैं, आगे वाली जनरेशन भी करेगी। यही तो मज़ा है ना अपने जयपुर का, अपने देसी कल्चर का, है ना? बहुत जोरदार जगह टूरिज्म के हिसाब से, दर्शनीय स्थलों के हिसाब से मज़ा आ जाता है।
तो आप लोग क्या करते थे? नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ जाते थे, जलमिल क्या करते थे फिर वहाँ पे? कई दफे ऐसा प्रोग्राम बना लेते थे पहले से, जैसे मालूम पड़ गया कि मौसम बिल्कुल इस तरीके का है, तो वहाँ जाके चूरमा दाल बाटी की रसोई का प्रोग्राम कर लेते थे, साथ में कई दफा घर से बना करके ले जाते थे। और फिर अभी क्या खाने का मन कर रहा है आप मौसम को देख रहे? मतलब ऐसा इस मौसम को देख गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। दोस्तों मैंने क्या कहा था, मेरे मुंह की बात छीन ली पापा ने। ये मौसम है ही ऐसा कि इसमें गरम गरम चाय और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए ना, तो जन्नत से कम नहीं है वो, वो जन्नत है। तो पकौड़े हो जाए? बिल्कुल हो जाने। तो आप ऑर्डर करोगे या माता रानी को मैं ऑर्डर करूँ, बताओ? तेरे ऑर्डर को मान लेगी? मान लेगी, मान लेगी। मैं नहीं तो मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो मान लेगी। चलो ठीक है, पकौड़े माता रानी पकोड़े पेश किए जाएं। मम्मी क्या बना रहे हो? सेवैयों की खीर बना रही हूँ। सेवैयों की खीर बना रहे हो? अच्छा सुनो, पापा का ऑर्डर है, मेरा नहीं है। क्या पकोड़े खाने? उनको बनाऊंगे, पकोड़े भी बनाएंगे प्याज के। प्याज के पकोड़े? अच्छा आपको पहले से पता था क्या? किसने बताया? पापा ने बोला था। मतलब यार आप और पापा, वो है ना आप और पापा को पता क्या हो, मतलब कभी खुशी कभी गम का है ना, वो सीन याद आ रहा है मुझे। ए माँ तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मुझे क्या खाना है? चलो जल्दी से बना लो पकौड़े। पसंद क्या है? अच्छा आपको पता है मेरी पसंद क्या है? तो इस मौसम में मुझे क्या अच्छा लगता है? प्याज के पकौड़े, प्याज के पकोड़े, सेवैयों की खीर गर्मा गर्म। जल्दी से बना लो यार, अब रुका नहीं जा रहा मेरे को। अच्छा तो आपने ऑलरेडी पकोड़ों का घोल बना के रख रखा है? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। कितना टाइम लगेगा? नहीं खीर तो बन गई है, मुझे पकोड़े खाने हैं। कितना टाइम लगेगा बताओ? पकोड़े मतलब कोई खाएगा, जल्दी बनाऊंगी पहले बना के। आप बना दो मेरे लिए, पापा के लिए तो बना दो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ओके। गर्मा गर्म पकोड़े, नाम लिया चीज हाजिर। यही तो माँ बाप का प्यार है दोस्तों, यही तो प्यार है यार, मतलब क्या है गर? वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स। माँ माँ इधर देखो, आई लव यू, I love you, them to you। क्या 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 बोला आपने? Them to you। I love you too। I love you too। So guys, माता रानी ने बना लिए हैं गर्मा गर्म पकोड़े, और पकोड़ों के साथ में बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। वो होता ना कि माँ को एक चीज के लिए कहो तो भाई साहब दिल खोल के रख देती है, एक नहीं बहुत सारे व्यंजन बना दिए, दस्तरखान लगा दिया है माँ ने। माँ तो सी ग्रेट हो यार। चले चले पापा के पास, चलो आज फिर टेस्टिंग। चलो पापा तैयार हो? यस। हाँ यस। देखो यार पापा, आपकी धर्मपत्नी ने आपकी बात सुन ली। वैसे बहुत कम होता है कि पत्नी पति की बात सुने, हमेशा सुनाती सुनाती है। तो आपने हुक्म करा और माँ ने पकोड़े बना दिए भैया, और पकोड़ों के साथ में देखो इडली। गाइस मैंने कहा था ना आपको कि माता रानी किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देती है, बन गया है इडली। तो माँ बताओ क्या क्या बनाया आपने? इडली बनाई है, सेवैयों की खीर है, प्याज के मिर्ची के पकौड़े हैं, और बेजड़ के आटे की नमकीन पुड़िया है। पुड़िया है मसाले। बेजड़ का आटा बताओ किन किन से मिलके बना होता है? चने गेहूं जो इनको हेल्दी हेल्दी एकदम। हाँ अच्छा, सारा पूरा सोयाबीन भी डाल लो इसमें, सोयाबीन में तो बहुत काफी प्रोटीन होता है। सो गाइस हम अब इस खाने का लुत्फ उठाते हैं। पापा रेडी? आज मैंने नहीं बनाया, सब मम्मी ने बनाया, 10 में से 12 नंबर। आ चले चलो चलो खाओ। तो खाते हैं और खाकर आपको देंगे
रिव्यू मम्मी को। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट वीडियो में आप I love you too. I love you too. ये मौसम की बारिश, ये ताउते का असर। वैसे जब मैंने पहली बार नाम सुना ताउते, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, ये कौन से तूफान का नाम आ गया ताउते। लेकिन ताउते का जो नाम का मतलब है वो है छिपकली से। जी हाँ, छिपकली से। एक्चुअली क्या है ना कि ये रखा है म्यांमार ने इसका नाम ताउते, और ताउते का मतलब होता है छिपकली, जो धीरे 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 आती है और सडनली अटैक करती है और सारा जो भी अपना शिकार होता है उसको अपने शिकंजे में ले लेती है। तो इस ताउते ने भी ऐसा किया है, धीरे 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 आया है और आकर पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया है। इसने पहले तबाही मचाई केरल में, उसके बाद गोवा में, और गोवा से ही सीधा आया मुंबई, और मुंबई की तबाही तो आप सब लोग देख ही चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया हो या फिर मरीन ड्राइव हो, कोई भी कैसी भी जगह हो, सब जगह तबाही मचाई है। और उसके बाद ये एंटर हो गए हैं अहमदाबाद, गुजरात, और गुजरात के बहुत सारे इलाके में। और उसके बाद इन्होंने दस्तक दिया है पधारो मारे देश राजस्थान। कि कमाल की बारिश हो रही है हर जगह। वैसे ही लॉकडाउन के कारण तो सब कुछ बंद है, लेकिन बारिश ने और भी सब कुछ बंद कर दिया है। मज़ा आ गया है। जयपुर का टेम्परेचर हो गया है बिल्कुल जैसे कि शिमला, एकदम ठंड। जहाँ पर लोग एसी चला रखे थे, कूलर लगा रखा था कि भैया गर्मी हो गई, गर्मी हो गई, गर्मी हो गई, अब वो लोग पंखा भी नहीं चला रहे हैं, खिड़कियाँ भी बंद करके बैठे हैं। एक तो तूफ़ान, ये साइक्लोन जो आया है इतना गंदा ताउते, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा और उसके साथ में बारिश, वाह। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो जयपुर वाले लोग हैं ना, वो ऐसे मौसम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं नाहरगढ़। तो मुझे तो नाहरगढ़ की याद है, नाहरगढ़ गरम गरम चाय की प्याली और उसके साथ में गर्मा गर्म पकौड़े, इससे अच्छा सुख तो मिल ही नहीं सकता इस बारिश के अंदर। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि जब ऐसी बारिश होती है तो आप अपने शहर में कौन सी जगह जाना पसंद करते हैं, जहाँ पर सबसे अच्छा सुकून मिलता हो आपको, जहाँ के नज़ारे अद्भुत हो, जहाँ मज़ा आ जाए जाकर। देखो जयपुर वालों को तो चार पांच चीज़ें बहुत पसंद है बारिश में। गरम गरम जाकर, हाँ गरम गरम चाय की चुस्की लेना, गुलाब जी चाय वाले के यहाँ पे, या फिर साहू वाले के भी जा सकते हैं। और उसके बाद गरम गरम प्याज की कचौड़ी और सीधा जल महल जाना, वहाँ का नज़ारा बहुत ही कमाल का होता है। नाहरगढ़ चले जाना और वहाँ से पूरी सिटी को देखना, वहाँ एकदम ग्रीनरी हो जाती है। पहाड़ से जब आप अपने जयपुर को निहारते हो ना, तो मज़ा ही कुछ और होता है। और उसके बाद आमेर चले जाना, मस्ती करना, गरम गरम पकवान बनाना, जिसको हम हमारी देशी भाषा में गोठ बोलते हैं, गोठ करना, जंगल के अंदर ही लकड़ियाँ इकट्ठी करना, लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहीं पे आग जलाना, वहीं पे कुछ ना कुछ बनाना। नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेज बनाते हैं, वेजिटेरियन लोग सबसे ज़्यादा जो बनाते हैं वो है जयपुर की राजस्थानी डिश चूरमा दाल बाटी। हाय हाय, मेरा मन हो गया चूरमा दाल बाटी खाने का। बारिश है, कल भी रहे, तो क्यों ना दाल बाटी बनाया जाए और दाल बाटी का इस बारिश में लुत्फ लिया जाए। इस बात को नोट करना चाहिए और मैं नीचे जाके मम्मी से रिक्वेस्ट करूँगा कि दाल बाटी चूरमा बना दो मुझे। सो दोस्तों, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, बारिश खत्म हो गई है। इस वक्त मैं छत पे हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बादल है, ये पानी लेने जा रहे हैं। फिर बारिश होगी, फिर बी प्राग का यार हंसने लगेगा। जोक पार्ट। जयपुर शहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये पूरा जयपुर शहर है, देख सकते हैं आप।
ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसी के बीचों बीच बसा है जयपुर शहर। सो गाइस मजा आ रहा है और ये मजा दोगुना हो सकता है। तो गाइज मज़ा आ रहा है कि ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है बारिश में, और ये मज़ा दोगुना हो सकता है कि गर्मा गर्म चाय और पकोड़े मिल जाए। चाय पकोड़े ठंडी ठंडी हवा, यार जन्नत है जन्नत, इसी को जन्नत कहते हैं। आप हमारी इसी उम्र में थे नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ चले जाते थे, ज्यादा लंबा जाना और खाटू श्यामजी की तरफ निकल जाते थे। हाँ तो सही, जयपुर में इससे बेस्ट लोकेशन और क्या मिलेगी लोगों को? रामगढ़ भी है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो तो सारा वही चक्कर चलता रहता है। अच्छा, जो लोग जो आप लोगों ने किया वो आज हम कर रहे हैं और हमारे फोर फादर्स भी करते हुए आए हैं, वो भी करते हैं और आगे वाली जनरेशन भी करेगी। यही तो मजा है ना अपने जयपुर का, अपने देसी कल्चर का, है ना? बहुत जोरदार जगह टूरिज्म के हिसाब से, दर्शनीय स्थलों के हिसाब से मजा आ जाता है। तो आप लोग क्या करते थे? नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ जाते थे, जलमिल क्या करते थे फिर वहाँ पे? कई दफ़े ऐसा प्रोग्राम बना लेते थे पहले से, जैसे मालूम पड़ गया कि मौसम बिल्कुल इस तरीके का है तो वहाँ जाके चूरमा दाल बाटी की रसोई का प्रोग्राम कर लेते थे, साथ में कई दफ़े घर से बना करके ले जाते थे। और फिर अभी क्या खाने का मन कर रहा है आप इस मौसम को देखते हुए? मतलब इस मौसम को देखते हुए गर्मा गर्म पकौड़े। दोस्तों मैंने क्या कहा था, मेरे मुंह की बात छीन ली पापा ने, ये मौसम है ही ऐसा कि इसमें गरम गरम चाय और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए ना तो जन्नत से कम नहीं है, वो जन्नत है। तो पकौड़े हो जाए? बिल्कुल हो जाने। तो आप ऑर्डर करोगे या माता रानी को मैं ऑर्डर करूँ, बताओ? तेरे ऑर्डर को मान लेगी। मैं नहीं तो मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मान लेगी। चलो ठीक है, पकौड़े माता रानी पकोड़े पेश किए जाएं। मम्मी क्या बना रहे हो? सेवैयों की खीर बना रही हूँ। सेवैयों की खीर बना रहे हो? अच्छा सुनो, पापा का ऑर्डर है, मेरा नहीं है। क्या पकोड़े खाने हैं? उनको बनाऊंगे, पकोड़े भी बनाएंगे प्याज के पकोड़े। अच्छा आपको पहले से पता था क्या? किसने बताया? पापा ने बोला था। मतलब यार आप और पापा हो ना, आप और पापा को बताऊँ क्या हो? मतलब कभी खुशी कभी गम का है ना, वो सीन याद आ रहा है मुझे। ए माँ तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मुझे क्या खाना है? चलो जल्दी से बना लो पकौड़े। पसंद क्या है? अच्छा आपको पता है मेरी पसंद क्या है? तो इस मौसम में मुझे क्या अच्छा लगता है? प्याज के पकोड़े, सेवैयों की खीर, गर्मा गर्म। जल्दी से बना लो यार, अब रुका नहीं जा रहा मेरे को। अच्छा तो आपने ऑलरेडी पकोड़ों का घोल बना के रख रखा है? हाँ सही है। कितना टाइम लगेगा? नहीं खीर तो बन गई है, मुझे पकोड़े खाने हैं। कितना टाइम लगेगा बताओ? यही तो प्यार है यार, मतलब क्या ही कर, वर्ड्स नहीं है वर्ड्स। माँ इधर देखो, आई लव यू।
आई लव यू सैम टू यू. क्या 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 बोला आपने? सैम टू यू. आई लव यू टू. आई लव यू टू. सो गाइस, माता रानी ने बना लिए हैं गर्मा गर्म पकौड़े और पकौड़ों के साथ में बहुत सारी डिशेस बनाई हैं. होता ना कि माँ को एक चीज़ के लिए कहो तो भाई साहब दिल खोल के रख देती है. एक नहीं, बहुत सारे व्यंजन बना दिए, दस्तरखान लगा दिया है माँ ने. माँ तुसी ग्रेट हो यार. चले चले पापा के पास. चलो आज फिर टेस्टिंग. चलो पापा तैयार हो? Yes. हाँ? Yes. देखो यार पापा, आपकी धर्म पत्नी ने आपकी बात सुन ली. वैसे बहुत कम होता है कि पत्नी पति की बात सुने, हमेशा सुनाती सुनाती है. तो आपने हुक्म करा और माँ ने पकोड़े बना दिए भैया. और पकोड़ों के साथ में देखो इडली. गाइस मैंने कहा था ना आपको कि माता रानी किसी भी चीज को खराब नहीं होने देती है. बन गया है इडली. तो माँ बताओ क्या क्या बनाया आपने? इडली बनाई है, सेवइयों की खीर है, प्याज के मिर्ची के पकोड़े हैं और बेजड़ के आटे की नमकीन पुड़िया है. पुड़िया है मसाले की. बेजड़ का आटा बताओ किन किन से मिलके बना होता है? चने गेहूं जो इनको हेल्दी हेल्दी एकदम. हाँ अच्छा, सारा पूरा सोयाबीन भी डाल दो इसमें. सोयाबीन में तो बहुत काफ़ी प्रोटीन होता है. सो गाइस हम अब इस खाने का लुत्फ उठाते हैं. पापा रेडी? रेडी. आज मैंने नहीं बनाया, सब मम्मी ने बनाया है. 10 में से 12 नंबर. हाँ I love you too. ये मौसम की बारिश, ये ताउते का असर. वैसे जब मैंने पहली बार नाम सुना ना ताउते, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार ये कौन से तूफान का नाम आ गया ताउते. लेकिन ताउते का जो नाम का मतलब है वो है छिपकली से. जी हाँ, छिपकली से. एक्चुअली क्या है ना कि ये रखा है म्यांमार ने इसका नाम ताउते. और ताउते का मतलब होता है छिपकली, जो धीरे 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 आती है और सडनली अटैक करती है और सारा जो भी अपना शिकार होता है उसको अपने शिकंजे में ले लेती है. तो इस ताउते ने भी ऐसा किया है, धीरे 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 आया है और आकर पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया है. इसने पहले तबाही मचाई केरल में, उसके बाद गोवा में, और गोवा से सीधा आया मुंबई. और मुंबई की तबाही तो आप सब लोग देख ही चुके हैं. गेटवे ऑफ इंडिया हो या फिर मरीन ड्राइव हो, कोई भी कैसी भी जगह हो, सब जगह तबाही मचाई है. और उसके बाद ये एंटर हो गए हैं अहमदाबाद, गुजरात और गुजरात के बहुत सारे इलाके में. और उसके बाद इन्होंने दस्तक दिया है पधारो मारे देश राजस्थान. कमाल की बारिश हो रही है हर जगह. वैसे ही लॉकडाउन के कारण तो सब कुछ बंद है, लेकिन बारिश ने और भी सब कुछ बंद कर दिया है. मज़ा आ गया है. जयपुर का टेम्परेचर हो गया है बिल्कुल जैसे कि शिमला, एकदम ठंड. जहाँ पर लोग एसी चला रखे थे, कूलर लगा रखा था कि भैया गर्मी हो गई गर्मी हो गई गर्मी हो गई, अब वो लोग पंखा भी नहीं चला रहे हैं, खिड़कियाँ भी बंद करके बैठे हैं. एक तो तूफ़ान, ये साइक्लोन जो आया है इतना गंदा ताउते, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा और उसके साथ में बारिश. वाह. वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो जयपुर वाले लोग हैं ना, वो ऐसे मौसम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं नाहरगढ़. तो मुझे तो नाहरगढ़ की याद है. नाहरगढ़, गरम गरम चाय की प्याली और उसके साथ में गर्मा गर्म पकौड़े. आह, इससे अच्छा सुख तो मिल ही नहीं सकता इस बारिश के अंदर. सो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि जब ऐसी बारिश होती है तो आप अपने शहर में कौन सी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पर सबसे अच्छा सुकून मिलता हो आपको, जहाँ के नज़ारे अद्भुत हो, जहाँ मज़ा आ जाए जाकर. देखो जयपुर वालों को तो 4-5 चीज़ें बहुत पसंद है बारिश में. गरम गरम जाकर, हाँ गरम गरम चाय की चुस्की लेना, गुलाब जी चाय वाले के यहाँ पे, या फिर साहू वाले के भी जा सकते हैं. और उसके बाद गरम गरम प्याज की कचौड़ी और सीधा जल महल जाना. वहाँ का नज़ारा बहुत ही कमाल का होता है.
नाहरगढ़ चले जाना और वहाँ से पूरी सिटी को देखना, वहाँ एकदम ग्रीनरी हो जाती है। पहाड़ से जब आप अपने जयपुर को निहारते हो ना तो मज़ा ही कुछ और होता है। और उसके बाद आमेर चले जाना, मस्ती करना, गरम गरम पकवान बनाना, जिसको हम हमारी देशी भाषा में गोट बोलते हैं, गोट करना। जंगल के अंदर ही लकड़ियाँ इकट्ठी करना, लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहीं पे आग जलाना, वहीं पे कुछ ना कुछ बनाना। नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेज बनाते हैं, वेजिटेरियन लोग सबसे ज़्यादा जो बनाते हैं वो है जयपुर की राजस्थानी डिश चूरमा दाल बाटी। हाय हाय, मेरा मन हो गया चूरमा दाल बाटी खाने का। बारिश है, कल भी रहे, तो क्यों ना दाल बाटी बनाया जाए और दाल बाटी का इस बारिश में लुत्फ लिया जाए। इस बात को नोट करना चाहिए और मैं नीचे जाके मम्मी से रिक्वेस्ट करूँगा कि दाल बाटी चूरमा बना दो मुझे। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, बारिश खत्म हो गई है। इस वक्त मैं छत पे हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बादल है ये पानी लेने जा रहे हैं। फिर बारिश होगी, फिर बी प्राक का यार हंसने लगेगा। जोक पार्ट। जयपुर शहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये पूरा जयपुर शहर है, देख सकते हैं आप। ये अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसी के बीचों बीच बसा है जयपुर शहर। तो गाइस मज़ा आ रहा है और ये मज़ा दोगुना हो सकता है। सो गाइस मज़ा आ रहा है, ये ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है बारिश में, और ये मज़ा दोगुना हो सकता है कि गर्मा गर्म चाय और पकोड़े मिल जाए। चाय पकोड़े, ठंडी ठंडी हवा, यार जन्नत है जन्नत, इसी को जन्नत कहते हैं। देखा आपने मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मैं छत से रिकॉर्डिंग करके लेकर आया हूँ पूरी। आप क्या कर रहे हैं? मौसम की आनंद ले रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे बैठना। एक बात बताओ, जब आप हमारे इसी उम्र में थे आप लोग अपने दोस्तों के साथ में ऐसे मौसम में क्या करते थे? मौसम में यार गाड़ी उठा करके निकल जाते थे, जलमहल चले जाते थे, नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ चले जाते थे, और हमारे फोर फादर्स भी करते हुए आए हैं, वो भी करते हैं, आगे वाली जनरेशन भी करेगी। यही तो मजा है ना अपने जयपुर का, अपने देसी कल्चर का, है ना। बहुत जोरदार हिसाब से तो आप लोग क्या करते थे? नारगढ़ चले जाते थे, जयगढ़ जाते थे, जलमहल क्या करते थे फिर वहाँ पे? कई दफे ऐसा प्रोग्राम बना लेते थे पहले से, जैसे मालूम पड़ गया कि मौसम बिल्कुल इस तरीके का है तो वहाँ जाके चूरमा दाल बाटी की रसोई का प्रोग्राम कर लेते थे, साथ में कई दफे घर से बना करके ले जाते थे। और फिर अभी क्या खाने का मन कर रहा है इस मौसम को देख रहे? मतलब ऐसा इस मौसम को देख गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। दोस्तों मैंने क्या कहा था, मेरे मुंह की बात छीन ली पापा ने। ये मौसम है ही ऐसा कि इसमें गरम गरम चाय और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए ना तो जन्नत से कम नहीं है, वो जन्नत है। तो पकौड़े हो जाए? बिल्कुल हो जाने। तो आप ऑर्डर करोगे या माता रानी को मैं ऑर्डर करूँ, बताओ? तेरे ऑर्डर को मान लेगी? मान लेगी, मान लेगी। मैं नहीं तो मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बताओ? मान लेगी। चलो ठीक है, पकौड़े माता रानी पकोड़े पेश किए जाएं।
मम्मी क्या बना रहे हो? सेवैयों की खीर बना रही हूँ। सेवैयों की खीर बना रहे हो? अच्छा सुनो, पापा का ऑर्डर है, मेरा नहीं है। क्या पकौड़े खाने? उनको बनाऊंगे, पकौड़े भी बनाएंगे प्याज के पकौड़े। अच्छा आपको पहले से पता था क्या? किसने बताया? पापा ने बोला था। हाँ मतलब यार पकौड़े आप और पापा, वो ना आप और पापा को बताऊँ क्या हो? मतलब कभी खुशी कभी गम का है ना, वो सीन याद आ रहा है मुझे। ए माँ तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मुझे क्या खाना है? चलो जल्दी से बना लो पकौड़े। पसंद क्या है? अच्छा आपको पता है मेरी पसंद क्या है? तो इस मौसम में मुझे क्या अच्छा लगता है? प्याज के पकौड़े। प्याज के पकौड़े, सेवैयों की खीर गर्मा गर्म। जल्दी से बना लो यार, अब रुका नहीं जा रहा मेरे को। अच्छा तो आपने ऑलरेडी पकौड़ों का घोल बना के रख रखा है? हाँ सही है। कितना टाइम लगेगा? नहीं खीर तो बन गई है, मुझे पकोड़े खाने हैं। कितना टाइम लगेगा बताओ? पकोड़े बस हम कोई खाएगा जल्दी बनाऊंगी, पहले बना के। आप बना दो मेरे लिए, पापा के लिए तो बना दो जल्दी से। ठीक है ठीक है ओके। सो गाइस गर्मा गर्म पकोड़े, नाम लिया चीज हाजिर। यही तो माँ बाप का प्यार है दोस्तों, यही तो प्यार है यार। मतलब क्या है, वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स। माँ माँ इधर देखो, I love you. क्या 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 बोला आपने? Same to you. I love you too. So guys, माता रानी ने बना लिए गर्मा गर्म पकौड़े, और पकौड़ों के साथ में बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। वो होता ना कि माँ को एक चीज़ के लिए कहो तो भाई साहब दिल खोल के रख देती है, एक नहीं बहुत सारे व्यंजन बना दिए, दस्तरखान लगा दिया है माँ ने। माँ तो सी ग्रेट हो यार। चले पापा के पास चलो, आज फिर टेस्टिंग। चलो पापा तैयार हो? Yes. हाँ yes. देखो यार पापा, आपकी धर्म पत्नी ने आपकी बात सुन ली। वैसे बहुत कम होता है कि पत्नी पति की बात सुने, हमेशा सुनाती है। तो आपने हुक्म करा और माँ ने पकोड़े बना दिए भैया, और पकोड़ों के साथ में देखो इडली। गाइस मैंने कहा था ना आपको कि माता रानी किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देती है, बन गया है इडली। तो माँ बताओ क्या क्या बनाया आपने? इडली बनाई है, सेवैयों की खीर है, प्याज के मिर्ची के पकोड़े हैं, और बेजड़ के आटे की नमकीन पुड़िया है मसाले की। बेजड़ का आटा बताओ किन किन से मिलके बना होता है? चने गेहूं जो इनको हेल्दी एकदम। हाँ अच्छा, सारा पूरा सोयाबीन भी डाल लो इसमें, सोयाबीन में तो बहुत काफ़ी प्रोटीन होता है। सो गाइस हम अब इस खाने का लुत्फ उठाते हैं। पापा रेडी? रेडी बिल्कुल। आज मैंने नहीं बनाया, सब मम्मी ने बनाया है, 10 में से 12 नंबर। हाँ चले चलो खाओ। तो खाते हैं और खाकर आपको देंगे रिव्यू मम्मी को। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अभी पेट पूजा, बाद में काम दूजा।